हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम, तो इधर मैं बना रही हूँ राजमा। राजमा को बॉईल कर लिया है, बेटे के लिए बना के रख दिया। और ये अपना बना रही हूँ, तो लहसुन प्याज को मैंने पीस लिया, और उसी में पता है मैं दालचीनी वगैरह पीस लेती हूँ, खड़ी नहीं डालती हूँ। तो टमाटर को भी डाल दिया अच्छे से, प्याज टमाटर सब कुछ भून गया। तो वीडियो कर दिया फास्ट, वीडियो हो गया था 30 मिनट का, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट किया, सारे वीडियो आज फास्ट है। और इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और राजमा मसाला। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, पानी डाल के फिर थोड़ी देर को पकाऊँगी। और पकाने के बाद में ये देखिए थोड़ी सी मैं कश्मीरी मिर्च डाल दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कलर आ जाएगा। और क्योंकि राजमा में जो पानी होता है ना बॉल करते में, उसको मैं निकाल देती हूँ, उसको नहीं डालती, क्योंकि थोड़ा बहुत किसकसापन आ जाए, धो लो कितनी भी बार फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं निकाल देती हूँ। और इसमें एक आलू डाला था मैंने, सोचा था कि ना वो बनाऊंगी, पराठे बना लूंगी या कुछ भी, फिर वो प्लान कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैंने फिर इसमें ही डाल दिया आलू। तो देखिए इसमें अपने मतलब चावल बनाऊंगी तो चावल के हिसाब से पानी डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी, नमक डाल के इसको बॉईल करूंगी। और बेटे के लिए बना के रख दिया है। और मेरा जो वीडियो जाता है, आप लोग सपोर्ट करते हो और आप लोग पूछते हो कि क्या बात है क्या बात नहीं है, आप लोग हमसे शेयर करते हो, अच्छा लगता है। तो देखिए आप लोगों से शेयर करने मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत घुट घुट के जी रही थी, बहुत घुट घुट के जी रही थी। और घुट घुट के जीने की वजह से मेरी हालत भी ख़राब हो गई। देखिए राजमा अच्छे से उबाला है मैंने काफ़ी टाइम, और उसमें कसूरी मेथी डाल के और निकाल के ढक के रख देती हूँ। फिर थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करने लगी तो मुझे भी अच्छे लगने लगा। और क्योंकि अकेले अकेले घुट के जीते रहो, आज कल रिश्ते ऐसे हो गए, किसी से कुछ भी बोल दो, कुछ भी, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं और मैं सच बोल दूं, फिर भी मेरे ऊपर यही है कि वो मतलब वो मेरे ऊपर गलत आता ही आता है। तो इसलिए मैं ना ही अपना दुख बोलती, ना ही सुख बोलती किसी से, मैं मतलब ही नहीं रखती हूँ, मतलब नहीं रखती मैं, फिर भी बुरी हूँ, मतलब रखूँ मैं फिर भी बुरी हूँ। जिस तरह से भी निकालो सारी कमी मेरे में ही निकलती है, चाहे इधर से भी घुमा के फिरा के देखो सारी कमी मेरे में है, मेरे में है। तो भाई एक पूरे मतलब बोलते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदे कर देती है, जब मैं एक गलत हूँ तो मैं ही अकेली अलग हट जाऊँ ना, सभी लोगों को क्यों समेटूँ उसमें। तो मेरा वही हिसाब है कि मैं सबसे अलग हूँ, फिर भी मेरे को नहीं छोड़ते हैं लोग, और चाहे कोई भी हो चाहे कोई भी नहीं हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब ना ही बोलो तो ठीक है, और कितना भी चुप रहो, कितना भी कुछ भी रहो, पर अपनी बदनामी कितने भी सहते रहो, कितने भी सहते रहो, कुछ भी हो चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी लोग हद पार कर जाते हैं अपनी। हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ तो सीखा है, शादी को मेरे को इतने साल हो गए, मैंने इतना तो सीख लिया, किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, कितने भी कुछ भी कर लो, कोई आपका सगा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी, क्योंकि वो अपने मौके पर सर दिखा देते हैं। चाहे तुम अगर कोई, मैं ये नहीं बोल रही कि पैसे वाले हैं तो पैसे से मदद की, तो वो लोग बोल देते हैं कि पैसे वाली है इसलिए घमंड दिखा रही, नहीं भाई, आप लोग हाथ पैरों से भी मदद कर दो तो भी कोई आपका ऐसा नहीं मानता है, कोई भी नहीं। कुछ भी सही कुछ भी ना सही, तो जो भी कुछ है चलिए, भगवान के यहाँ बोलते हैं ना कि दे रहे हैं दे नहीं, सब लिखा जाता है सब कुछ है। और मैं मतलब मेरा यह है, बचपन से सहती आई हूँ तो अब तो मुझे आदत पड़ गई है, और ये ड्रिल मशीन चल रही है तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आएगी, अब मुझे आदत, पर हाँ इतनी भी आदत नहीं पड़ी, अब ऐसी आदत है कि फिर उस जब जिससे मेरा मन खट्टा खाता है ना, तो फिर मैं उससे मतलब रिश्ता ही ख़त्म कर देती हूँ, फिर मैं ना ही मेरा कोई जाना ना आना कोई मतलब नहीं रहता। बोलते हैं ना कि धोखा कोई देता है तो अपना ही देता है और अच्छा ही देता है, तो फिर मैं मतलब ही छोड़ देती हूँ, चाहे कोई मेरे मुँह पे बोले चाहे ना बोले, चाहे इधर उधर से सुन के बोले, चाहे मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर मेरा हस्बैंड ही इधर उधर से किसी को बोले तो मैं उससे भी मेरा रिश्ता मतलब टूटने कगार पर। अगर मैं सोचूं कि मेरा बेटा या मेरा बेटा ही किसी से मेरे मेरे मुँह पर नहीं बोले और इधर उधर मेरी बुराई करे,
तो मैं अपने बेटे से ही रिश्ता ख़त्म कर दूँगी। अगर जो भी बात है मेरे मुंह पे बोलो भाई, तो वो बात पता भी चले कि क्या है क्या नहीं। तो आज देखिए अच्छे से साफ सफाई में लग गई हूँ, और आज सॉरी पहले ही बोलती हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मुझे माफ़ करना, 14 मिनट का हो गया, कभी इतना लंबा वीडियो नहीं बनाती, आजकल 13-14 मिनट का हो रहा है, तो इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और तो इधर आ गई थी मैं सोफ़ा वगैरह ठीक करने, तो आप लोग देख सकते हो कितना फास्ट वीडियो चल रहा है। और देखिए मैं अभी ना तो किसी का नाम लेके बोलती हूँ ना कुछ भी बोलती, मेरे ज़िंदगी में कोई एक रिश्ता नहीं होता। देखिए हमारी ज़िंदगी में इतने रिश्ते होते हैं, जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, बुआ मौसी, नाना नानी, इतने सारे रिश्ते होते हैं बहुत ज़्यादा। शादी हो जाती है ससुराल में ननद भाभी सास ससुर दौरानी जेठानी इतने होते हैं, फिर भी कुछ लोग अपने ऊपर ले जाते हैं, जो वही लोग अपने ऊपर ले जाते हैं जिनको लगता है, जहाँ जिन्होंने बोला होगा या जो लोग बुराई करते होंगे तो उनको ही लगता होगा वो अपने ऊपर ले जाते होंगे। मैं तो वही किसी का बोलती नहीं हूँ, हाँ मेरे बात चुभती हैं तो फिर मैं नहीं बोलती। तो इधर देखिए करते करते पोंछा लगाने भी लग गई हूँ, और एडिटिंग करने में भी लग रहा है कि कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा वीडियो, क्योंकि आज बड़ा है और मैंने इतना रिश्तों को निभाया, इतना मतलब निभाने की कोशिश की, बहुत रिश्ते मेरे ऐसे हैं जो अपने थे पर उन लोगों ने मेरी इतनी बेकदरी की कि बहुत ज़्यादा। खुद मैं अब यहाँ खुल के बता रही हूँ, चाहे मेरी बहन बोले, मेरे भाई ने खुद की मेरी बेकदरी। मेरी माँ ख़त्म होने के बाद में कोई नहीं था और मैंने इतना रिश्ता निभाया, उसने मेरी मतलब कदर नहीं की। अब मैं आज तक मैंने वीडियो पर नहीं बताया, उसका बता रही हूँ। तो देखिए सभी के लिए मैंने अपना जितना 100% था मैंने सभी के लिए दिया, और अभी मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, और मुझे पता है कि ये भी नहीं निभाएगा। सभी ऐसे होते हैं, जब तक मतलब नहीं होता तब तक अपने हैं, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उनका जीवन साथी आ जाए, तो कोई किसी का नहीं होता है, मतलब सब भूल जाते हैं। और मैंने हर किसी के लिए अपना सुख चैन भूल के हर किसी के लिए किया। और यहाँ तो ननद वगैरह भी सगी नहीं है, और मतलब चाचा ताऊ फिर भी लोग बुराई करती हैं, पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और उनको ये पता है कि हम 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए आए हैं, और मतलब रिश्ता बना रहे हमारा तो आना जाना इनके पास रहेगा, अगर हम बुराई करेंगे तो हमारा आना जाना नहीं रहेगा। क्योंकि भाई आप बोलती हो कि सगी भाभी नहीं है तो आप भी सगी नहीं हो, तो रखना चाहोगे तो हम भी रखेंगे, आप नहीं रखना चाहोगे तो हम भी नहीं रखेंगे। तो उस सच बात ये है, तो वो भी फिर भी लोग कसर नहीं छोड़ते, मेरी तो भराने में एक दूसरे से कसर नहीं छोड़ते। मैं कितना भी किसी के लिए कर लूँ, कितना भी किसी के लिए कर लूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, चाहे मैं अपनी जान क्यों ना दे दूँ किसी के लिए, फिर भी कोई मेरा सगा नहीं हो सकता। तो इधर देखिए मैं फ़ैन वगैरह ऊपर चढ़ गई थी साफ़ करने के लिए, इतना गंदा हो रहा, और इस फैन पे ऐसे चिकनाई छुट छुट के ना बर्तनों के स्टैंड पर गिर रही थी, और ये जो है कफ वगैरह लगे हैं इन पर गिर रही थी, तो मैंने सोचा आज चलिए इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सिर धुलाई करना था तो इसको भी साफ़ करने लग गई थी मैं। और एक एक हस्बैंड क्या चले गए, एक एक चीज़ करके ख़राब हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसको सही कराने में लगी, कभी आरओ हो रहा है, कभी टंकी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो अभी आरओ हो गया था, खुलाया था बच्चों से, दीदी का लड़का रहता है मेरा, कि ना इसको पानी कम कम आ रहा है, देखना खोल के जो नीचे फिल्टर लगा है क्या हुआ है क्या नहीं। बच्चों ने खोला फिर कसा, तो उनसे कसा नहीं गया और पानी निकलने लगा, तो फिर आरओ वाले को बुलाया, और 1 बज गया काम करते करते, आरओ वाले को बुलाया, तो फिर उसने पूरा ही इसका काम झाम जो है वो चेंज की, जब जाके ये ठीक हुआ चलने लगा, अब पानी अच्छे से दे रहा है। मैंने सोचा था कि वो आएगा जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, किचन का ख़त्म कर लूँ, और इतना लेट हो जाता है मेरा, इतना लेट हो जाता है काम की बहुत ज़्यादा। देखिए मैं साथ के साथ पानी ले रखा है ऊपर ही बाल्टी में, और पहुँचती जा रही हूँ, इतना गंदा हो रखा था, अब दिख रहा होगा
मैं वीडियो के लिए काम नहीं करती, किसी ने बोला था कि वीडियो के लिए साफ सफाई दिखाती, मतलब आप काम करते हो पहले करते थे वैसे नहीं करते, मैं वीडियो के लिए नहीं करती, मैं अपनी साफ सफाई खुद अच्छे से रखती हूँ घर में, और वीडियो तो फिर मैं बना लेती हूँ। और आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के कान पकड़ के भी, क्योंकि वीडियो मेरा बड़ा हो गया है, तो माफ़ करना आप लोग। और क्योंकि पता है स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, कोई इतना लंबा वीडियो नहीं देखना चाहता, तो सॉरी। पहले मैं 8 से 10 मिनट का ही वीडियो बनाती थी, अब मेरा वीडियो आजकल बड़ा हो रहा है क्योंकि बैक कैमरे से दिखता नहीं है कितनी मिनट का हो गया। फिर उसे फास्ट करो तो कितना फास्ट करोगे, ज़्यादा फास्ट कर दो तो ऐसा हो जाएगा जैसे रोबोट काम कर रहा है, दिखेगा ही नहीं कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं। तो चलिए पूरी, मैं एक बार तो किचन में स्लप से गिरने से बच गई, इतना पैर फिसला मेरा, तभी तो मैं नीचे आके उतर गई और फिर चढ़ी दोबारा से। तो इधर किचन के ऊपर जहाँ चिमनी लगनी हो वहाँ जगह है, चिमनी नहीं लग रखी, तो फिर मैंने उधर भी साफ़ किया और इसको अच्छे से घिस घिस के साफ़ कर दिया क्योंकि गंदा हो रहा था। और बीच में मेरी कई दिन हालत ख़राब भी थी सिर की दर्द की वजह से, और वैसे भी लेडीज प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से मैं कर नहीं पाई। फिर जिस दिन सिर धुलाई करती हूँ उस दिन बेड शीट वगैरह सब चेंज करती हूँ, गेट वगैरह पहुँचती हूँ, हर मतलब अच्छे से साफ़ सफाई और मसालदानी वगैरह सब धो देती हूँ। तो वही सब चल रहा था, वही सब कर रही थी मैं, और इसी वजह से मेरे को 1 बज गया था काम करते करते। देखिए एक के लिए बनाए हैं मैं राइस फ्राई किए हैं और एक के लिए बनाई है मैगी, दोनों के लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाया है, क्योंकि एक मैगी में जो दूसरी है नूडल्स आटा नूडल्स, तो उसमें प्याज लहसुन का मसाला होता है वो नहीं खाता है, तो उसके लिए फिर चावल फ्राई किए और एक के लिए मैगी बनाई है। तो अलग अलग बनाया, खाना पीना बन चुका है, पहले लंच, अब 1 बज गया काम करते करते, तो सोचिए कि इतनी ज़्यादा थक गई, तो फिर लंच का बनाने का टाइम हो जाए तो इंसान थक के फिर पूरे दिन लगा ही रहेगा, तो इसलिए मैं लंच बना के पहले ही रख लेती हूँ ताकि दोपहर में फिर मैं थोड़ी भी बस नहा के ब्रेकफास्ट किया। 1 बज गया और मैंने बस आध घंटा से भी नहीं आराम किया, नहा के ही आई थी, ब्रेकफास्ट किया, तब तक आरओ वाला आ गया, फिर मैं तुरंत आरओ के लिए ठीक करवाया और उसके बाद मैं लंच करने बैठ गए। लंच करके फिर कपड़े वगैरह उतारो, उलट पलट करो, तो वही 2, 2:30, 3 बज गया जब जाके आराम किया कहीं। फिर शाम को शुरू हो जाओ, 4 बजे से दूध वगैरह निकाल के रखो, गर्म करो, जो भी शाम को क्लास जानी होती है तो बना के रखो। तो देखिए मैंने मसालदानी वगैरह पूरी खड़ा ली है, थोड़ा थोड़ा ही मसाला रह गया था, मैं फिर डालती नहीं हूँ, मुझे दिखता है कि अब मैं प्रॉब्लम में हूँ तो फिर मैं मसाले डालती नहीं हूँ, फिर जो है उन्हें यूज करती हूँ। और उसके बाद में देखिए बर्तन कितने सारे भर के मैंने साफ़ किए, और उसके बाद में मैंने सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी है, बालकनी को धो दिया है, अब लगाऊंगी जो बचा कुचा है किचन में पहुंचा, फिर दोबारा से लगाती ले जाऊंगी, इतना ही बचा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा। और हालत गर्मी की वजह से ख़राब हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तो चलिए काम सारा हो गया है, लेट तो हुआ है, अकेली के लिए साफ सफाई करने बैठो ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है काम, और दिखता है नहीं है, शहर में लगता है क्या काम है क्या काम, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेते हैं, कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो इधर देखिए मैं दोबारा से पोंछा लगाती हुई आ रही हूँ, और एक बार लग गया है पूरे में तो दोबारा से, और गर्मी लग रही है, लग रहा है कपड़े भी निकाल दो, इतनी गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रखा है मुँह पर, और देखिए मुँह का क्या हालत हो रखी है, दाग से हो रखे हैं, इनकी दवा वगैरह भी चल रही है। और तो चलिए फिर बाय बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में।